चाय पर दूध मिलाते हैं, लेकिन हम अपने दारू पर पानी मिलाते हैं, कुछ इस प्रकार से। और तो इस प्रकार से फोटो खिंचाता ना एक साइड से, हम दोनों साइड से ताला खींच रहा है, लेकिन हमसे पड़ोसी मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? चल हमारे डोली भाई से, बल्कि ये दारू है अभी इसो मैं पी करके और आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद तो हमारे वीडियो पर शेयर लाइक होना ही चाहिए और 1 मिलियन तो। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, नहीं, लेकिन आप लोग डोली चाय वाला को तो जानते ही होंगे, मैं उसी का भाई। चोली चाय वाला हमारे डोली चाय वाला भाई अपने चाय पर दूध मिलाते हैं, लेकिन हम अपने दारू पर पानी मिलाते हैं, कुछ इस प्रकार से। पानी मिलाते हैं हम हमारी दारू को पीने के लिए, लोग गली गली ढूंढते ढूंढते आते हैं। हम एक दिन पर 100 बोतल दारू बेचते हैं, लेकिन हमारे डोली भाई को 10 लीटर चाय बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बड़ा कौन हुआ? चोली दारू वाला। It's the dream. नोट, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, हम जिस किसी को भी दारू पिलाते हैं वो हमारा नाम जिंदगी भर तक लेता है, लेकिन ये डोली चाय वाला जिस किसी को भी चाय पिलाता है शायद ही कोई नाम लेता होगा। तो दूसरा पॉइंट को नोट कीजिएगा। बिलॉट, तीसरा एग्जाम ये है कि हमारे दारू को इस धरती का हर कोई पसंद करता है, लेकिन चाय को शायद ही कोई पसंद करता होगा। हमारी दारू पीने से लोगों का मूड बन जाता है, लेकिन चाय पीने से लोगों को शुगर हो जाता है। अब बताइए यहाँ पर जीता कौन? तो यहाँ पर जीता है चोली दारू वाला। मिलावट, चौथी बात ये है कि डोली चाय वाला हालांकि फेमस हो गया है, लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे, सेल्फी ले रहे, कुछ इस प्रकार से करके, और लोग तो ले नहीं है, लेकिन डोली भाई जबरदस्ती जाकर के उनसे सेल्फी ले रहा है। मेरा भाई है तो क्या हुआ? अरे मैं भी उसका भाई हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन मैं उसका। उन लोगों से सेल्फी इस प्रकार से लेता है, लेकिन जब मैं दारू पीता हूँ ना, दारू जब पी के मैं रोड पर उलट जाता हूँ ना, एक पैग ज्यादा मारता हूँ, उलट जाता हूँ ना, तो आते हैं आस पड़ोस के लोग, हमारे घर वाले लोग, और तो इस प्रकार से फोटो खिंचाता है ना एक साइड से, हम दोनों साइड से टंगा करके आते हैं घर। बाबू हमको कमजोर मत समझना, मिलावट यहाँ पर भी मैं जीत गया। मिलावट, हमारा पांचवा एग्जाम ये है कि हर चाय वाला बड़ा बड़ा आदमी कैसे बन जा रहा है। जैसे हमारे मोदी जी पहले चाय बेचा करते थे और चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए। एक चाय बेचने वाला और आया था जिसका नाम था MBA चाय वाला, वो भी चाय बेच के बड़ा बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गया। उसके बाद अब आया डोली चाय वाला, वो मेरा ही भाई है, वो भी करोड़पति बन गया, उनसे विल गेट आकर के कोलोब्राइट किया, लेकिन हमसे कोलोब्राइट करने के लिए पड़ोसन भी नहीं आती है, जबकि मैं उनसे ज्यादा महंगा वाला चीज बेचता हूँ, हर चीज पर हमारा दारू जीत रहा है, लेकिन हमसे पड़ोसी मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? जब हमारे डोली भाई से मिलने के लिए विल गेट्स आ रहा है, तो ये भी एग्जाम को आप नोट कीजिए। छठा पॉइंट ये है कि चाय वाला को हर कोई मोटिवेट करने आता है, लेकिन दारू पीने वाला को लोग मोटिवेट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? दारू बेचने वाला को लोग क्यों नहीं मोटिवेट करते? सबका भारत देश पर समान अधिकार है, अंबेडकर जी ने बोल करके कि सबका समान अधिकार है, तो आप लोगों को सबको साथ देना पड़ेगा, दारू बेचने वाले को भी और चाय बेचने वालों को भी आपको साथ देना पड़ेगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मिलावट, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा और अब हमें फैसला सुनाइए कि मैं फैसला जीतता हूं कि नहीं, मुझसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को आना चाहिए कि नहीं। इतना कुछ से आगे होने के बाद तो हमारे वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज होना ही चाहिए। अगर आप पर भी कोई कमी है तो उस कमी को मैं पूरा कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, आप एक जर पानी है, इस पानी को, ये पानी नहीं बल्कि ये दारू है, अभी इसो मैं पी करके
और आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद तो हमारे वीडियो पर शेयर लाइक होना ही चाहिए और 1 मिलियन व्यूज तो होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पानी को पीना। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको भी अभी मैं खत्म करता हूं। ये देखिए बिल्कुल पानी खत्म हो गया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए 1 मिलियन पहुंचाइएगा तो अब की बार 1 बाल्टी पी के पानी मिल जाए, ठीक है।